विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजधानी की 5 ज्वेलरी दुकानों पर दबिश दी है, जिससे सराफा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। आयकर विभाग ने अलंकार ज्वेलर्स, अनमोल ज्वेलर्स और गुरुदेव ज्वेलर्स, लक्ष्मी ज्वेलर्स में सर्वे की कार्रवाई की है। इन दुकानों में बड़े पैमाने पर कच्चे बिल पर कारोबार करने के सबूत आयकर टीम को मिले हैं। फिलहाल आयकर की कार्रवाई जारी है। अनुमान है कि सर्वे पूरा होने के बाद बड़ी आयकर चोरी का खुलासा हो सकता है। और आपको बता दें कि रायपुर में आयकर विभाग ने 5 सराफा दुकानों पर छापामार कार्रवाई की है। लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि यहां पर कच्चे बिल जो है पर कारोबार किया जा रहा है, और उसके बाद जो है आयकर विभाग ने यहां पर छापा मारा है। आपको बता दें कि इनमें नाम शामिल है, अलंकार ज्वेलर्स, अनमोल ज्वेलर्स, गुरुदेव ज्वेलर्स, लक्ष्मी ज्वेलर्स, ये नाम शामिल है जिनमें सर्वे की कार्रवाई की जा रही है। अधिक जानकारी के साथ हेमंत जुड़ गए हमारे साथ सहयोगी। हेमंत, जिस तरीके से 5 ज्वेलर्स पर आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है, लगातार शिकायत मिल रही थी कि कच्चे बिल पर ये लोग काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, क्या कुछ निकलने की संभावना है? देखिए दीपक, इन 5 जो ज्वेलर्स दुकान पर सर्वे की कार्रवाई आयकर विभाग की टीम कर रही है, यहाँ से काफी बड़ी संख्या में कर चोरी की शिकायत लगातार आयकर विभाग की टीम को मिल रही थी, और उसी के आधार पर कल दोपहर से जो पूरी सर्वे की कार्रवाई है इन ज्वेलर्स दुकानों में चल रही है। अगर इन ज्वेलर्स दुकानों की बात की जाए तो इसमें भाटागांव स्थित अनमोल ज्वेलर्स, गुरुकुल ज्वेलर्स, अलंकार ज्वेलर्स, ये सभी दुकान शामिल हैं। और इसमें अभी तक की जांच की बात की जाए तो इसमें निकल कर सामने आया है कि कच्चे बिल के सहारे जो पूरा कारोबार है ज्वेलर्स का वो यहाँ पर किया जा रहा था, और इसकी शिकायत जो कर चोरी की शिकायत उस समय हुई थी तब भी इस बात की भनक आयकर विभाग की टीम को लगी थी, और उसी के लिहाज से जो पूरी कार्रवाई है वो अभी चल रही है। हालांकि अभी भी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि पूरी कार्रवाई होने के बाद एक बड़ा खुलासा इसमें निकलकर सामने आ सकता है। दीपक, बिल्कुल अहमद, कितने लोग सदस्य टीम है और कितने लोग इसमें शामिल है कार्रवाई में आयकर विभाग के? देखिए दीपक, लगभग 20 अधिकारियों की जो टीम है वो पूरे इन ज्वेलर्स दुकानों में जो छापेमार करवाई है वो यहाँ पर कर रही है। अगर इन दुकानों की बात की जाए तो जो भाटागांव स्थित में जो चारों 5 दुकान है वो लाइन से क्रमानुसार लाइन से इनकी दुकानें हैं, और इसलिए जो यहाँ पर आयकर विभाग की 20 से अधिक टीम है वो यहाँ पर सर्वे की कार्रवाई कर रही है। जो यहाँ पर सराफा जो कारोबारी है उनसे दस्तावेज मांगे गए हैं, उन दस्तावेजों का परीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। परीक्षण करने के बाद जो पूरी कार्रवाई जब खत्म होगी उसके बाद ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार कितने की कर चोरी हुई है, इसके अलावा और क्या क्या इसमें और खुलासे हो पाएंगे। हेमंत, इन दुकानों पर कार्रवाई के बाद अब पूरे बाजार के क्या आलम है? कई दुकानें तो बंद हो गई होंगी। देखिए, जो सूत्रों से हमें अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक आयकर विभाग की टीम के पास एक लंबी सूची है, और उसी सूची के आधार पर जो कल दोपहर में इन दुकानों पर कार्रवाई शुरू हुई है उसके अलावा और कई ऐसे जो सराफा कारोबारी हैं और ज्वेलर्स दुकान है जिनकी सूची आयकर विभाग की टीम के पास है, जैसे ही इन दुकानों की यहाँ पर कार्रवाई पूरी होगी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आयकर विभाग की टीम कई और सराफा कारोबारियों के यहाँ पर दबिश दे सकती है। चलिए, इस पूरी कार्रवाई पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका हेमंत। तो भोपाल से एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें, जहां